हम लोग देखे थे इसमें कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कब होता है? जब दो फोर्स आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होता है ना, और वही यस सर। एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स नाम सुनने से ही पता चलता है कि ऐसा फोर्स जब दो, जो दूर से ही लगे, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट से लगे, तो उस हाँ तरह सर, के फोर्स को हम लोग जैसे बोलेंगे मैग्नेटिक नॉन फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। जैसे मान लो ये चौक है, लेकिन मान लो मैग्नेट है ना, तो ये मैग्नेट को अगर हम दूर भी रखते हैं तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन दूर से ही लगाएगा लगाएगा ना, तो हाँ सर, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। इसी तरह मान लो कि अगर हम एक कॉम ले लें और अपने हेयर को रब करें और उसको टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के सिर्फ सामने लाए, टच नहीं करवाए, ऊपर से ही कुछ डिस्टेंस पे ही रखे, तो यस वो सर, क्या वो करेगा? चिपकने टाइनी लगता है। चिपकने लगता है। अब ये इसको चौक को अगर हम छोड़ दें, अपने हाथ से रिलीज कर दें, है ना, तो अर्थ क्या करेगा? इसको अपने और खींच लेगा, बताओ। यस सर, तो ये भी फिजिकल कॉन्टेक्ट, अर्थ के फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा फोर्स जो बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट के लगे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि फोर्स फोर्स विच कम्स सर इनटू प्ले। हाँ बोलो। सर जो आप कॉम का एग्जांपल दिए सर, उसमें ऐसा क्यों होता है? पेपर के सामने लाते ही वो उसको अट्रैक्ट क्यों कर लेता है? इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो चार्ज के कारण एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। उस कॉम्ब हाँ सर, में चार्ज डेवलप हो जाता है और उस चार्ज के कारण उस टाइनी बिट्स वो टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को अपने और अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि टाइनी बिट्स ऑफ पेपर क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स विच कम्स इनटू प्ले विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट और फ्रॉम ए डिस्टेंस, और फ्रॉम ए डिस्टेंस इज नोन एज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ नॉन एज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। यस सर, तो इसको लिख लो। अब देखते हैं कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो इसको लिखो पहले। तो सर एग्जांपल आप जो करवाए फोर्स, थे। हाँ अच्छा ठीक, एक बार और बता देते हैं। जो फोर्स दूर से लगे सर, है ना, मतलब विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट में लगे, उसी फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इसको रब कर दें। यस सर, ओके। तो अगर हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देखें, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देखें, तो देखते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स तो हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना। चलो फर्स्ट लिख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा लगाया जाए, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, आ, आ, नॉन आ, कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स। हाँ ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये फोर्स मैग्नेट द्वारा या तो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने में, या मैग्नेट मैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग सकता है। तो जैसे मान लो ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है और हाँ सर, ये आयरन नील है, ये आयरन नील है, ठीक है, ये यस आयरन सर, नील है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स यस सर, ऑफ यानी यस सर, कि ये मैग्नेट क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स के वजह से ये आयरन इसके और चलाएगा, ठीक है। चल, और ये भी देख सकते हैं साथ में, मान सर लो एक 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 जस्ट मिनट, एक मैग्नेट है, वो दूसरे मैग्नेट को भी सर, अपने आपका और खींच कैमरा ऑफ। सकता है। मेरा कैमरा तो ऑन है। हाँ हाँ सर, हाँ ऑन है सर, ऑन। एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ये दूसरे मैग्नेट को खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है, बताओ। खींच सकता है, खींच अगर सकता अपोजिट सर, पोल एक आपस, हाँ
अगर अपोजिट अपोजिट। पोल, ठीक है, यानी कि ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। अब मान लो कि हम क्या किए कि ये भी नॉर्थ पोल है और इसके सामने भी नॉर्थ पोल ले आए, है ना, तो क्या रिपेल करेगा, करे रिपल्सन सर, है, रिपल्सन दूर है भागेगा। चलो हाँ ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इसमें, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इसमें, हम रिपल्सन लोग बोल सकते रिपल। हैं। ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी कि ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट एक दूसरे पे लगा रहा है ना, मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लगा रहा है या नॉन मैग्नेटिक यस मटेरियल, ठीक है, सॉरी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लगा रहा है, या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आया। यस सर यस सर फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है डिटेल से, तो थोड़ा सा भी हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं कि ऐसा फोर्स है जिसके कारण यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल तो हम लोग, ग्रेविटेशन हाँ ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन एन यूनिवर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट इन एन यूनिवर्स, इन एन यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे और सक्षम के बीच में भी फोर्स लग रहा है, सक्षम मेरे और तुम्हारे बीच में फोर्स लग रहा है, बताओ सक्षम, यस सर ये कैसे सक्षम, हाँ ये सक्षम है और ये है हम, ठीक है, ये है हम, और हम मेरे और इसके बीच में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक है जिसके कारण वो हम लोग फील नहीं कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला, G m1 × m2 / r², सारा टर्म हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम यस कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्यों हम लोग में ये फोर्स फील नहीं होता है, लगने के बावजूद भी कोई फोर्स फील क्यों नहीं होता है वो देख लेते हैं। कि मान लो सक्षम का हम मास 40 kg मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हम आसानी से कर सके, ठीक है, अपना मास मान लेते हैं 50 kg, है नहीं ज्यादा है, मान लेते हैं 50 kg, ठीक है, और हम लोग दोनों के बीच का दूरी मान लो 1 m है, ठीक है सक्षम, बोलो, यस यस और सर यस सर इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन, सॉरी 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करके बताओ, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁷ है, सक्षम का मास 40 है, मेरा मास 50 है, और डिस्टेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ, सर, कैलकुलेट वो क्या करके है सिक्स बताओ, पॉइंट सिक्स सेवन के बाद? सर × 10⁻¹ⁱ × 40 × 50, 40 × 50, -11 हाँ -11, -11, और यहां पे थोड़ा सा यूनिट सुधार लेना, ये होगा न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा,
पर केजी स्क्वायर होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। कैलकुलेट किया तुम लोग या हम ही कैलकुलेट कर दें? देखो 6.67 और 40 × 50 कितना होगा? 200 2000 2000, 2000 2000 इंटू सर 10 to the -11, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 6.67 इंटू 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 × 10 पे पावर -11, कोई दिक्कत? इस 1000 को टेन चलो पे सर पावर 3 लिख दी, ठीक है। तो ये आ गया 14, ये आ गया 13, ये आ गया 13, तो 13.34 × 10 to the power -8 न्यूटन। देखो -8 जा रहा है, तो बताओ इतना कम फोर्स हम लोग फील कर पाएंगे, बोलो। नो सर नो सर हाँ, नो इसीलिए इसीलिए सक्षम और मेरे बीच में फोर्स लगते हुए भी हमको नजर नहीं आता है, क्योंकि ये फोर्स बहुत ही वीक है। बात समझ में आ रहा सर है? लेकिन हर केस में नहीं, अगर मास ज्यादा हो तो वो हम लोग को देखने को मिलेगा, आगे के चैप्टर में हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। यस सर जैसे सर मान लो कितना ज्यादा मास कि होगा तो हम लोग को दिखेगा अब जैसे मान लो सात अर्थ सौ और फिर इस चौक के अर्थ का मास ले लें और इस चौक के बीच में अट्रैक्शन दिखाएं, तो वो फिर हम लोग को वो फोर्स नजर आएगा, और आता ही है। इस चौक को नीचे गिराएंगे, मतलब छोड़ेंगे, तो नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, बताओ। तो गिर जाएगा यस सर सर क्या ये चौक कोई जादू से नीचे गिर रहा है? नो सर नो सर ग्रेविटी तो ग्रेविटी के कारण ही के गिरता है, मतलब अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है ना। और जादू का बात क्या है पता है? जादू का बात नहीं है, साइंस का ही बात है कि अर्थ मान लो इस पे एफ फोर्स लगा रहा है ना, तो ये भी अर्थ पे एफ फोर्स लगा रहा होता है, पता है। अगर अर्थ हाँ इसको सर एफ फोर्स, हाँ एफ एवरी फोर्स एक्शन से हैज खींच एन रहा इक्वल एंड है, अपोजिट रिएक्शन बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो ये भी अर्थ को एफ फोर्स से खींच पाएगा। लेकिन ऑल अबाउट औकात, चौक का मास उसका औकात बताता है ना, कि कितना कम इसका मास है। अगर हम अर्थ और इसका मास कंपेयर करें तो कंपेरेबल है, बताओ बताओ। एटी से भी छोटा है सर नो हाँ, नो तो यानी कि हम लोग पढ़े भी हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास कम तो एक्सेलरेशन हमको नजर आएगा, उस केस में सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन अर्थ का मास 6 × 10 to the power 24 kg है, अगर एफ फोर्स लगा रहा है तो उसके हैवी मास के कारण उस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, ना के बराबर होता है, वो फील नहीं होगा। बात समझ में आया? यस सर बोलो। ओके, ठीक ये हम लोग थर्ड चैप्टर में ये हम लोग को पढ़ना है, तो अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर आते हैं हम लोग हाँ सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये ऐसा, ये भी हम लोग को हायर क्लासेस में सर पढ़ना उधर है दिख ना। नहीं रहा सर ओके, घुमा देते हैं। दिख नहीं रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12 में हम लोग को पढ़ना है। वैसे सारा चैप्टर मैग्नेटिक फोर्स भी और भी हायर क्लासेस में 12 में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा डिटेल्स 11 क्लास में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। 7 में भी इस फोर्स के बारे में जिक्र करे थे। 7 में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, पढ़ा था सबको इलेक्ट्रिक चार्जेस हाँ एट सर रेस्ट। क्या उसमें पढ़ा यस था सर पढ़े इलेक्ट्रिक थर्ड चार्जेस एट रेस्ट में? क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट में? नॉट कि एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, या एक चार्ज बॉडी यस दूसरे बॉडी को, हाँ एक मिनट, एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, या एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। तो अट्रैक्ट और रिपेल कब करेगा? जब वो फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे, तब करेगा, बताओ। यस सर यस तो दूर से ही करेगा कि एकदम जाके चिपक जाएगा, उसके बाद करेगा, तब तो वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, है ना। ये यस फोर्स दूर क्या से था? दूर करेगा से ही, सर दूर से। हाँ ठीक है, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारा चीज चार्ज हो जाता है। जैसे सपोज सर कभी एक एक 10 मिनट, कभी कभी देखता होगा कि टीवी अचानक बंद करते हैं और उसके सामने हाथ ले जाते हैं, तो हाथ में जो हेयर है वो चार्ज हो जाता है, ऐसा नोटिस किया होगा तुमने, हाँ है ना। सर यस हाँ हाँ सर हाँ
तो ये सारा फोर्स जो है वो दूर से ही लग रहा है, बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट का लग रहा है और चार्ज बॉडी के कारण लग रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक मतलब वो चार्ज डेवलप हो रहा है पॉइंट में। सर वीडियो पॉज हो गया, वीडियो पॉज नहीं सर, अभी ठीक आपका ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, अभी ठीक है। हाँ हम लोग लिख सकते हैं फोर्स विच इज अप्लाइड, फोर्स विच इज अप्लाइड अप्लाइड बाय बाय चार्ज बॉडी, अप्लाइड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनचार्ज बॉडी और ऑल्सो ऑन चार्ज बॉडी, और ऑल्सो ऑन चार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे? यस सर दिख रहा है, चार्ज, ओके ओके, एक चार्ज बॉडी है ये, और ये है अनचार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगा? अनचार्ज बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने अट्रैक्ट करेगा, हाँ अपने और अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये चार्ज बॉडी पे, ये चार्ज बॉडी पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के थ्रू इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह मान लो कि एक ये भी चार्ज बॉडी है और एक ये भी चार्ज बॉडी, लेकिन अपोजिटली चार्ज बॉडी है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि डिसिमिलर चार्ज है ना, एक प्लस एक माइनस, बात समझ आ रही है? अगर मान लो अनलाइक चार्ज, ये तो अनलाइक चार्ज है, ये लाइक चार्ज हो मान लो, तो लाइक चार्ज के बीच में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना, उसको धकेलेगा अपने फोर्स से, तो ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हम लोग देखे कि किस तरह कोई ऑब्जेक्ट दूर से भी फोर्स लगा सकता है, जब दूर से बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट से जब फोर्स लगेगा तो फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके तो मिटा दें इसको, एक मिनट सर। ओके हाँ सर अब मिटा दीजिए। हाँ ठीक सर, सर सर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है सर, उसको हम लोग सर कॉन्टेक्ट में भी पढ़ सकते हैं ना सर, जब अट्रैक्शन होगा तो। अच्छा ठीक है, अट्रैक्शन होगा तो ठीक है, दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आ गया तब पर भी फोर्स लग रहा, लेकिन वो फोर्स उसको कॉन्टेक्ट में लाया कैसे, उसको कॉन्टेक्ट में लाया कैसे, मतलब बता सर, जब कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो उसके बाद तो उसमें अलग अलग तरह का फोर्स लगे, मैग्नेटिक फोर्स क्या किया, वो दूर था उसको दूर से खींच के ला के कॉन्टेक्ट में कर दिया, बात समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ तो उसको हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में ही रखेंगे, ठीक है ना सर उसको? यस सर, यस सर। हाँ बोलो सर, मेल्टिंग आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? मेल्टिंग क्यों नहीं करेगा, उसमें भी मैग्नेटिक, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ चेंज हुआ है ना, कि वो सॉलिड था, सॉलिड से क्या चीज में आ गया बताओ, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, तो सिर्फ फिजिकल नेचर चेंज हुआ है, केमिकल नेचर चेंज होने से अट्रैक्ट नहीं करता। सपोज केमिकल नेचर कहने के बाद क्या है कि जैसे मान लो ये हमारे पास आयरन था, Fe था, और यहाँ पे सल्फर था, यहाँ पे सल्फर था, ये आयरन और सल्फर, आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, अभी मिक्सचर है, और यहाँ पे अगर मैग्नेट लाए तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा,
आ जाओ मेरे पास, है ना, yes, तो अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन लेकिन जब इसी आयरन फीलिंग्स को, इसी आयरन के फीलिंग्स को और सल्फर को हीट करेंगे तो रिएक्ट करके ये बना देगा FeS, आयरन सल्फाइड बना देगा। अब आयरन सल्फाइड के सामने, आयरन सल्फाइड के सामने इस मैग्नेट को लाएगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये किसी और के साथ दोस्ती कर लिया है जिसके कारण इसका प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो गया है ना। हम लोग पढ़ते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है या कोई कंपाउंड बनता है तो जिससे बनता है उससे उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग हो जाता है। जैसे वाटर है ना, हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में घुस गए, कोई बात नहीं। जैसे वाटर है, वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, यस सर। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है, होता है जलना, ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होता है जलाना, और वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, बुझाना, बुझाना, है ना, ठीक है ना, जलेगा ना जलने जलवाएगा वो वाटर, बुझाएगा। तो प्रॉपर्टी देखो, वाटर का प्रॉपर्टी क्या हाइड्रोजन से मैच खा रहा था, बताओ क्या सर, बताओ क्या, वाटर नहीं खा रहा था सर, नहीं खा रहा था, मतलब कंपाउंड जिससे बनता है ना उससे उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग होता है। फिजिकल चेंज, फिजिकल नेचर चेंज हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन केमिकल नेचर चेंज हो गया मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट का कोई प्रॉपर्टी उसमें तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है सर? सर आयरन के पास अगर हम आयरन को कोई ऐसा मतलब फोर्स में डाल दिए कि जिससे वो मतलब बहुत ज्यादा वहां पे ग्रेविटी है तो सर खींच लेगा मैग्नेट, खींचेगा ही। अब रिलेटिवली स्ट्रेंथ अगर मैग्नेट का ज्यादा है तो उसको खींचेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी तो अपना पावर दिखाएगा ना। लेकिन सर वो उसके सामने नहीं टिका, तो फॉर एग्जांपल हम ब्लैक होल में डाल दिए। अब देखो ब्लैक होल बहुत ज्यादा दूर तुम चला गया, ब्लैक होल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम लोग ना बहुत और भी अलग अलग चीज पढ़ना पड़ता है ना। हाँ सर, इवेंट होराइजन, हॉकिंग रेडिएशन और उसका मैग्नेटिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पहले, सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, समझ गया ना। हाँ सर, यस सर। हाँ तो हम लोग अभी देख लेते हैं पहले बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, फिर कभी हम लोग ब्लैक होल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो नाम सुनने से ही पता चलता है कि बैलेंस फोर्स क्या होता हो, है ना। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, ये हैवी बॉक्स है। अब एक इधर से लगा रहा है इससे फोर्स 200 न्यूटन, ठीक है, और एक लगा रहा है 200 न्यूटन। मान लो F1 फोर्स ये लगा रहा है, यहाँ पे दो बच्चा है छोटा छोटा, एक लंबा बच्चा है ना, इसका कानून का हाथ है, देखो लंबा yes. है, कानून का हाथ लंबा होता कि नहीं। ये F2 फोर्स ये 125 न्यूटन लगा रहा है और ये 75 न्यूटन लगा रहा है ना, yes, 75 sir. अलग अलग डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तुम देख रहा होगा, है ना। तो अगर हम नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स निकालें, क्योंकि देखो सिर्फ इसमें माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 प्लस F3, जो सेम डायरेक्शन में, देखो जो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा उसको हम लोग जोड़ दिए, जो डिफरेंट डायरेक्शन में लगा उसको हम लोग माइनस कर दिए। तो अगर इसका वैल्यू निकालें तो 200 F2 हो गया 125 और F3 हो गया 75, इसको जोड़ेंगे तो 200 ही आएगा, तो 200 न्यूटन माइनस 200 न्यूटन इक्वल टू जीरो आ गया, जीरो जीरो, है ना। तो यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो नेट फोर्स है वो कितना आ रहा है, जीरो, नेट फोर्स जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स, ठीक है, मतलब यस हाँ, मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इफ रिजल्टेंट
force is the resultant of all the force, resultant of all the force acting on a body, acting on a body is equal to zero, is equal to zero, then is known as contact force. Then such contact force is balance force. Then such type of force, balance. Then such type of force is known as balance force. Known as balance force. उस तरह के फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स. बात समझ में आया? यस यस यस. अब तुम लोग खुद बता दो, ये इधर से 200 न्यूटन लगा रहा है, इधर से दो आदमी मिलके 200 न्यूटन लगा रहा है, तो बॉक्स किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा कि बहुत अच्छा. मतलब तुम लोग ये बोलना चाह रहा है कि बैलेंस फोर्स नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना? कि बैलेंस फोर्स से हम लोग स्टेट ऑफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. तो हम लोग लेकिन सर उसका सेफ साइड चेंज हो सकता है ना? हाँ, उसका सेफ साइड चेंज हो सकता है. तो लिख सकते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा. एक 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 मिनट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. मोशन में ही रहेगा. सर कैसे सर? एक मिनट. यस सर. अब कैसे देख रहे हैं ना कि हम लोग दोनों डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं. नहीं सर, तो जब रेस्ट में है तो वो तो पता चल रहा है, लेकिन सर मोशन में कैसे? अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस पे भी अगर मान लो एफ न्यूटन इधर से लग रहा है, इसके से भी एफ न्यूटन इधर भी लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपना मोशन चेंज करेगा? बताओ, ये ऑब्जेक्ट मोशन चेंज करेगा? मतलब 20 न्यूटन से 20, इधर सुनो, अगर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मोशन जो है, उसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा. बात समझ में आ रहा है? यस यस सर. ठीक है, यस. मूव करेगा लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं होगा. क्लियर है? यस सर. यस क्लियर. लेकिन बैलेंस फोर्स शेप और साइज चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन शेप एंड साइज चेंज कर सकता है. तो बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज Of an object. यहाँ तक क्लियर है? बोलो. यस सर. यस सर. यस. ओके. हाँ, तो अब हम लोग क्या